एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है और कमेंट्स करे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। एंड वेलकम बैक टू द राना ब्लॉग्स। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना कॉलेज, पूरा साउथ कैंपस, मेरा घर से कॉलेज जाने तक का सफ़र और पूरा मेरा कॉलेज। सो दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी। तो अभी मैं पहले जा रही हूँ स्कूटी से मेट्रो तक, एंड देन मेट्रो से जाऊंगी कॉलेज। और ये हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हुए। दिल्ली में रोडों का हाल इतना खराब हो जाता है जब भी बारिश होती है, अभी यहाँ पे तो कम है, तब भी पूरा मतलब कीचड़ कीचड़ हो जाता है रोडों पे। सो मेट्रो स्टेशन पहुंच के देन मैं आपको करती हूँ, बाय। सो आई हैव रीच मेट्रो स्टेशन एंड अब मेट्रो लेके सीधा जाएंगे कॉलेज पिंक लाइन से। दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, जो कि मेरे कॉलेज का मेट्रो स्टेशन है, एंड यहाँ से हम ऑटो लेके सीधे जाएंगे अपने कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज। फटाफट ऑटो ले देते हैं भाई, कॉलेज के लिए हो रहे लेट। यहाँ से हम लेते हैं अपने कॉलेज के लिए ऑटो। ये सारे ऑटो सारे साउथ कैंपस के सभी कॉलेज से जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऑटो ले लो, आराम से आपको ऑटो कॉलेज छोड़ देगा। 20 रुपये लगते हैं यहाँ से हमारे कॉलेज के। फटाफट ऑटो लेते हैं और जाते हैं अपने कॉलेज। बारिश की वजह से ग्राउंड पूरा गीला हो रखा है। आर्यभट्ट कॉलेज अभी मुझे जाना पड़ेगा भाग भाग के, क्योंकि मेरी क्लास है सबसे पहले। सो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैंटीन, पूरा कैफेटेरिया, लाइब्रेरी एंड ऑल, एक्टिविटी रूम्स, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। अभी सबसे पहले मैं क्लास ले लेती हूँ। सो ये यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस है, रूम नंबर्स है। फिलहाल मेरी क्लास है रूम नंबर 13 में। सो मेरे सारे फ्रेंड्स वहीं बैठे हुए हैं एंड आई विल शो यू दैट। दिस इज रूम नंबर 13 एंड यहाँ पे अभी हमारी क्लास है। हेलो आकाश। चुप हो जाओ, सुनना बहुत मारती है बच्चों को।
जस्ट अभी मेरी क्लास खत्म हुई है, लेकिन इसके बाद मेरी एक और क्लास है एंड उसके बाद ही मैं आपको कैंटीन एंड सारा एरिया दिखा पाऊंगी। सो गाइज, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ चुकी है यहाँ पे, अंशु इज हियर। ये वही लड़की है जो सिक्किम में पूरे मेरे साथ थी। अभी मेरी क्लास है, अंशु की भी क्लास है, उसके बाद हम दोनों फिर से मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास मैम हैज आस्क्ड अस टू शिफ्ट फ्रॉम रूम नंबर 13 टू T4, सो गोइंग देयर राइट नाउ। दिस इज ऑल द सिटिंग एरिया फॉर द स्टूडेंट्स। दोबारा बोलियो। तो भाई उनको तो नहीं पता ना जो देख रहे हैं ब्लॉग। नो वन इज इंटरेस्टेड इन आवर कॉलेज। ऐसे मत बोल यार, बदतमीज। दिस इज तरेगना ब्लॉक। हेलो, इतना प्यारा कॉलेज है ना, मतलब हमारा ये देखो, मतलब कितनी क्रिएटिविटी है, कितने क्रिएटिव बच्चे हैं कॉलेज में। There's our cafeteria, जो कि मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अभी। So here is the library of our college. I'll show you. We have sections for different courses, different books. Here is the section of English, as I'm pursuing English honors. So here are my books. So हम आ चुके हैं कैफेटेरिया अपने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद, और बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ पे हमारे कॉलेज में कैफेटेरिया में। आप बैठ के खाना खाओ, मज़े करो, और पीछे यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। सो बहुत अच्छा, मतलब फील आता है जब यहाँ पे, पूरा अमेजिंग वाइब आती है जब भी आप कैफेटेरिया में खाना खाने आते हो। हेयर यू कैन सी द फुल व्यू ऑफ कैफेटेरिया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन आवर कॉलेज। वे टू कैंटीन। सो गाइज, वी हैव वन मोर कैंटीन। एक हमारी आर्यभट्ट की कैंटीन, और दूसरा RLA जो है, रामलाल आनंद कॉलेज, वो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है। सो RLA की कैंटीन में भी हम जा सकते हैं, और RLA की कैंटीन में ही अभी मैं जा रही हूँ। ये साइड में है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, तुम देख सकते हो। मोतीलाल नेहरू कॉलेज भी हमारे यहाँ से दिख जाता है आराम से। और अभी हम जा रहे हैं RLA की कैंटीन में, वहाँ पे है हमारा स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी रूम। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ RLA की कैंटीन। ये देख लो मेन्यू यहाँ का। सो आज हमने लिए छोले भटूरे एंड राजमा राइस। कॉलेजेस की कैंटीन में यू गॉट क्वालिटी फूड विद चीप रेट। सो कितने रुपए का आया काश हमारा? 60 रुपए। 60 रुपीज में भी हैव गॉट राजमा चावल एंड छोले भटूरे। हमने छोले भटूरे एंड राजमा चावल खा लिए, उसके बाद डेजर्ट में आज हमने लिए जलेबी। और ये था मेरे बड़े से कॉलेज का छोटा सा ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज ऑफ माई कॉलेज, एंड कीप शेयरिंग, लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल।